मऊगंज प्रदेश का 53वां जिला बनेगा। इसको लेकर गजट नोटिफिकेशन 6 अप्रैल को जारी कर दिया गया है। 1 महीने का समय है दावा आपत्तियों के लिए, उसके बाद मऊगंज जिला अस्तित्व में आ जाएगा। माना जा रहा है मऊगंज जिला बनने से मऊगंज का विकास तेजी से होगा, जिसकी घोषणा पिछले दिनों मऊगंज में ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक कार्यक्रम के दौरान की थी। रीवा से अलग होकर मऊगंज बहुत जल्दी जिले के रूप में काम करने लगेगा। इसको लेकर 6 अप्रैल 2023 को गजट नोटिफिकेशन में जारी कर दिया गया है। अब दावे आपत्ति के लिए 1 महीने का समय है। हम आपको बता दें, पिछले दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मऊगंज आए थे। वहां उन्होंने मऊगंज को जिला बनाने की घोषणा की थी। अब गजट में नाम आने के बाद माना जा रहा है मऊगंज को जिला बनाने का रास्ता साफ हो गया है। मऊगंज में 4 तहसीलें होंगी, हनमना, नई गढ़ी मऊगंज और नई बनी हुई देवतालाब, जो अभी तक उप तहसील थी वह तहसील के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। वहीं मऊगंज में मऊगंज और हनमना, नई गढ़ी 3 विकास खंड होंगे। नए जिले में 1070 गांव होंगे, 12 राजस्व सर्किल होंगे, 2640 पटवारी हलके काम करेंगे। जिस तेजी से मऊगंज को जिला बनाने की कार्रवाई हो रही है, माना जा रहा है 15 अगस्त इस बार मऊगंज को जिले के रूप में एक नई सौगात लेकर आएगा, जब यहां पर पहली बार जिले के रूप में झंडा फहराया जाएगा। ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है मऊगंज के लोगों के लिए। माना जा रहा है मऊगंज को जिला बनाने के बाद इस इलाके का तेजी से विकास होगा। मऊगंज जिले की सीमाएं सीधी जिले और रीवा जिले को छूती हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश लगता है। उत्तर प्रदेश से लगा हुआ जिला होने की वजह से यहाँ पर विकास के नए रास्ते खुल सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। और इसी के चलते काफ़ी अरसे से मऊगंज के लोग जिला बनाने की मांग कर रहे थे, जो पिछले दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मऊगंज पहुंच के पूरी कर दी। ये नई गली 382 गांव नई गली तहसील दे, 341 मऊगंज दे, 343 हनुमना के, और बाद में देवतालाब तहसील अलग इसमें से बनेगी। तो ये 4 तहसीलें मिला के मऊगंज नया जिला बनाया जाएगा। ये नक्शा भी लेके आया हूँ, तैयारी पूरी है। जैसे परीक्षा के पहले तैयारी करते, पूरी तैयारी करके आया हूँ। और आज 24 मार्च से मऊगंज को जिला बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ। 15 अगस्त को इस जिला मुख्यालय पे झंडा फहराया जाएगा मऊगंज वालों।
खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।